दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेक इन्फो पर। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि कैसे कुछ स्टेप्स अपनाकर आप अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों हम चाहे कितना भी महंगा लैपटॉप या डेस्कटॉप क्यों ना खरीद ले, कुछ समय बाद सिस्टम स्लो होने की समस्या या सिस्टम हैंग होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि कैसे आप कुछ स्टेप्स अपनाकर अपने सिस्टम की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको अपने सिस्टम के स्टार्टअप को चेक करना होगा कि सिस्टम स्टार्ट होते ही कौन कौन से एप्लीकेशन बैकग्राउंड में शुरू हो जाते हैं। दोस्तों उसके लिए हमको करना क्या है, अपने कीबोर्ड से आपको विंडो प्लस आर की बटन को प्रेस करना है। दोस्तों जी हाँ, विंडो और आर बटन एक साथ आप प्रेस करेंगे तो आपके सामने दोस्तों रन मोड ऑन हो जाएगा। यहाँ पे आपको सिर्फ टाइप करना है दोस्तों MS स्मॉल या कैपिटल किसी में भी टाइप कर सकते हैं दोस्तों, MS कॉन्फिग CONFIG, MS कॉन्फिग टाइप करना है दोस्तों, प्रेस इंटर बटन को दबाना है आपको। इंटर बटन दबाने के बाद दोस्तों आपके सामने सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। यहाँ पर दोस्तों कई सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे जिसमें से आपको दोस्तों सर्विसेज वाले ऑप्शन में जाना है। सर्विसेज वाले ऑप्शन में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो जो एप्लीकेशन स्टार्टअप के साथ रनिंग में है वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। कुछ एप्लीकेशन आपको यहाँ पे स्टॉप दिखाई दे रहे होंगे क्योंकि मैंने इनको पहले ही मैनुअली स्टॉप करके रखा हुआ है। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या होता है, यहाँ पे आपको सबसे पहले करना होगा कि यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है हाइड ऑफ माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज। सबसे पहले आपको वहां पे जाकर हाइड ऑफ सर्विसेज वाले ऑप्शन पे जाकर टिक करना है। इससे हो गया क्या दोस्तों, जितने भी माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड एप्लीकेशन वहां पे इंस्टॉल्ड हैं, यानी जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने इंस्टॉल करके आपको दिया हुआ है या आपने माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल किया हुआ है वह वहां पे हाइड हो जाएगा। अब दोस्तों आपके सामने सिर्फ वही एप्लीकेशन है जो थर्ड पार्टी से रिलेटेड है या फिर उसको आपने एक्सटर्नल यूज के लिए इंस्टॉल किया हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको दिख रहा है यहाँ पे जो जो एप्लीकेशन यहाँ पे रनिंग में है वो आपको दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, और जो जो मैंने स्टॉप करके रखा हुआ पहले से वो भी शो हो रहे हैं। अब इनमें से दोस्तों जो एप्लीकेशन आपको यूजफुल नहीं लग रही है या आप चाहते हैं कि यह स्टार्टअप में नहीं होना चाहिए है, उन पे एक एक करके आपको टिक करना है। जैसे यहाँ पे मैंने बहुत सारे ऑलरेडी अनचेक कर दिया था पहले से ही। अब यहाँ पे शो हो रहा है गूगल का, इसको भी मैं हटा देता हूँ, ये जरूरत नहीं है मुझे। मर्फो आरडी सर्विस है कि यहाँ पे, ये भी मुझे जरूरत नहीं है। मोजिला मेंटेनेंस सर्विस, ये भी मैं मैनुअल बाद में कर सकता हूँ तो ये भी मैं हटा दे रहा हूँ। इसी तरह और अब ड्रॉप मेनू में डाउन में नीचे चलते हैं, कुछ सिस्टम से रिलेटेड सर्विस है दोस्तों, इसको भी रहने देते हैं अभी हम यहाँ पे। इसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे अप्लाई वाले ऑप्शन में जाके इसको अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के बाद आपके सामने डेट दिखाई देने लगेंगी जब आपने कंडीशन अप्लाई की है। अब यहाँ पे ओके बटन पे प्रेस करना है दोस्तों। ओके बटन पे प्रेस करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा रिस्टार्ट, दूसरा ऑप्शन है एग्जिट विदाउट रिस्टार्ट। अगर आपको कोई अभी कार्य है या सिस्टम में आप काम करना चाहते हैं तो अभी रिस्टार्ट का ऑप्शन बाद में चुन सकते हैं आप। अगर आपको रिस्टार्ट अभी करना है तो आप रिस्टार्ट अभी कर सकते हैं। हम यहाँ पे एग्जिट विथ रिस्टार्ट का ऑप्शन लेते हैं क्योंकि हमें आपको दूसरा ऑप्शन भी बताना है। एग्जिट विथ रिस्टार्ट का हमने ऑप्शन लिया दोस्तों। अब यहाँ पे हम चलते हैं दोस्तों दूसरे ऑप्शन पे। दूसरा ऑप्शन कौन सा है दोस्तों, दूसरा ऑप्शन है आपका डिस्क क्लीनअप का। उसके लिए आपको करना क्या है दोस्तों, उसके लिए आपको विंडो प्लस ई की बटन प्रेस करना है। विंडो प्लस ई की बटन प्रेस करते ही माई कंप्यूटर का बॉक्स ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट सॉरी आपके सामने माई कंप्यूटर डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। माई कंप्यूटर ऑन होने के बाद यहाँ पे आपको डिस्क की अलग अलग ड्राइव दिखाई दे रही होंगी दोस्तों, जिसमें से आप कोई भी ड्राइव को लेकर डिस्क क्लीनअप कर सकते हैं। हम यहाँ पे चूज करते हैं दोस्तों सी ड्राइव को, क्योंकि सी ड्राइव सिस्टम का मुख्य पार्ट होता है। सी ड्राइव पे दोस्तों राइट क्लिक करके आपको प्रॉपर्टीज पे जाना होता है। प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है जहां पे लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पे डिस्क क्लीनअप।
साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों। यहाँ पे आपको डिस्क्लेमर का आइकॉन दिखाई दे रहा है जिस पे आपको क्लिक करना है सीधे। जी हाँ दोस्तों, डिस्क्लेमर पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे कैलकुलेशन करके आपको सारी टेम्परेरी फाइल शो होने लगती हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सारी फाइल मुझे दिखाई दे रही हैं। इसमें सर दोस्तों आपको करना क्या है, एक एक करके आपको सारे चेक बॉक्स पे क्लिक करना है जहाँ भी आपको टेम्परेरी फाइल की स्टोरेज जगह दिखाई दे रही है। जैसे टेम्परेरी इंटरनेट फाइल से मुझे 20 MB का डाटा रिजर्व हुआ है, ऑफलाइन वेब पेज से 123 MB दिखाई दे रहा है। यहाँ पे रिसाइकल बिन में देखिए दोस्तों 2.35, सबसे ज़्यादा रिसाइकल बिन में स्टोरेज कचरा पड़ा हुआ है। इसी तरह आप मैंने उसको नीचे लाइए, और भी टेम्परेरी फाइल आपको यहाँ पे नीचे शो हो रही होंगी। ओवरऑल दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 2.5 GB का डिस्क स्पेस खाली हो सकता है अगर आप टेम्परेरी फाइल को डिलीट करते हैं यहाँ से। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पे जितनी भी फाइल टिक की गई हैं उनको डिलीट करते हैं। डिलीट करने के लिए आपको ओके बटन पर प्रेस करना है। ओके बटन पर प्रेस करते ही यहाँ पे आपसे सिस्टम पूछ रहा है कि आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फाइल, क्या आप इन सब फाइलों को हमेशा के लिए डिलीट करना चाहते हैं। तो डिलीट ऑप्शन पे आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है दोस्तों। डिलीट होने क्लिक करने के बाद दोस्तों सारी फाइल स्लोली डिलीट हो रही है। यहाँ पे सारी फाइल डिलीट हो चुकी है। आपको पुनः एक बार अगर चेक करना है दोस्तों डिस्क क्लीनर पर फिर से आप जाइए। दोस्तों अभी आपको साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे अभी 2.3 GB का जो स्पेस भरा हुआ था अब सिर्फ यहाँ पे 59 MB का डाटा दिखाई दे रहा है, यानी इतना MB का डाटा आप और यहाँ से स्पेस फ्री कर सकते हैं। तो दोस्तों दूसरा सबसे आसान तरीका आपको सिस्टम की स्पीड बढ़ाने के लिए है, डिस्क क्लीनअप होता है। तीसरा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे है डिस्क डिफ्रेगमेंट। उसके लिए दोस्तों आपको किसी भी ड्राइव पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में ही जाना होता है। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको टूल का ऑप्शन मिलेगा। दूसरे नंबर पे आपको टूल्स ऑप्शन दिखाई देगा। टूल्स ऑप्शन में जाना है दोस्तों। टूल्स ऑप्शन में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ऑप्टिमाइज पे क्लिक करना होता है। ऑप्टिमाइज मेनू पर आप क्लिक कीजिए। ऑप्टिमाइज मेनू पे क्लिक करने के बाद दोस्तों ऑप्टिमाइज ड्राइव, जितने भी ड्राइव आपके सिस्टम में इंस्टॉल है वो आपको दिखाई दे रही हैं। पार्ट सी डी ई तीनों सिस्टम ड्राइव यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है और एक सिस्टम रिजर्व का भी ड्राइव बना हुआ है यहाँ पे। हमें दोस्तों यहाँ पे करना क्या है, एक एक करके सारे डिस्क को फ्रेगमेंटेड करना होता है। इसके लिए आपको करना क्या है, किसी भी एक ड्राइव पे आप क्लिक कीजिए, उसके बाद एनालाइज पे आप क्लिक कीजिए। दोस्तों एनालाइज पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे परसेंटेज बढ़ना दिखाई देने लगेगा। जैसे मैं सी ड्राइव पे ऑलरेडी पहले ही क्लिक कर दिया था इसलिए वो सी ड्राइव पे स्टार्ट हो चुका हुआ है। ये दोस्तों 100, जैसे 100 आपका परसेंटेज होगा सारी फाइलें एनालाइज करके जहाँ पे भी आपका सही स्पेस दिखाई देगा उस फाइल को व्यवस्थित कर देता है दोस्तों। जो भी फाइलें इधर उधर बिखरी हुई होती हैं सिस्टम्स फाइलें, जो करप्ट फाइलें होती हैं उनको डिलीट करके सारी फाइलों को व्यवस्थित करता है। डिस्क डिफ्रेगमेंट से दोस्तों आपका सिस्टम और बेहतर तरीके से वर्क करने लगता है। तो ये ऑप्शन भी आप ट्राई कर सकते हैं दोस्तों अपने सिस्टम की स्पीड को बढ़ाने के लिए। चलते हैं दोस्तों थर्ड ऑप्शन पे। दोस्तों हमारा तीसरा जो ऑप्शन है वो है टेम्परेरी फाइल को डिलीट करके। इसमें दोस्तों आपको दो प्रकार की टेम्परेरी फाइल मिलती हैं, एक जो विंडोज के अंदर पाई जाती है, दूसरा है जो हम सर्फिंग करते हैं इंटरनेट या जितने भी एप्लीकेशन हम रन करते हैं उनके द्वारा जो टेम्परेरी फाइल क्रिएट होती है। तो दोस्तों चलते हैं उन फाइलों को भी हम डिलीट करते हैं एक एक करके। उसके लिए दोस्तों आपको करना क्या है, विंडो प्लस आर की बटन फिर से आपको दबाना होगा जिसके बाद रन कमांड ऑन हो जाता है। यहाँ पे दोस्तों आपको टाइप करना है temp। टाइप करने के बाद दोस्तों आपको इंटर बटन प्रेस करना है। इंटर बटन प्रेस करने के बाद दोस्तों आपके सामने जितनी भी टेम्परेरी फाइल हैं वो ओपन हो चुकी होंगी। आपको एक साथ इन सब फाइलों को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ आप एक बटन प्रेस कीजिए। कंट्रोल ये हमने दबा दिया है दोस्तों, सारी फाइलें अब सेलेक्ट हो चुकी हैं।
अब इनको हम परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं यहाँ से दोस्तों। इसके लिए आपको शिफ्ट के साथ डिलीट बटन को प्रेस करना है। हाँ दोस्तों, इसके लिए आपको शिफ्ट के साथ डिलीट बटन को प्रेस करना है। अगर आप शिफ्ट के साथ डिलीट ऑप्शन नहीं करेंगे तो ये रिसाइकल बिन में जाके स्टोर हो जाएंगी, इसलिए हमको इसके लिए शिफ्ट और डिलीट का कमांड ऑन करना पड़ेगा। हम शिफ्ट और डिलीट बटन को ऑन करते हैं दोस्तों। शिफ्ट और डिलीट एक साथ हम प्रेस करेंगे जिससे ये सारी फाइलें यहाँ से डिलीट हो जाएंगी। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आप दिखाई दे रहा है कि आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस 76 आइटम। अब यहाँ से दोस्तों हम शिफ्ट के साथ जो कमांड हमने ऑन किया है उसके साथ हम प्रेस करेंगे दोस्तों, तो ये फाइल सीधे सिस्टम से डिलीट हो जाएंगी, ये रिसाइकल बिन में भी नहीं जा पाएंगी। तो दोस्तों हमको ओके यस ऑप्शन पर क्लिक करना है या एंटर कर देना है। देखिए दोस्तों यहाँ से सारी टेम्परेरी फाइलें डिलीट हो चुकी हैं, इसे हम क्लोज करते हैं दोस्तों। एक बार हमको दोस्तों फिर से रन मोड ऑन करना होगा, जिसके लिए विंडो और आर बटन को प्रेस करना है। यहाँ पे रन मोड ऑन हो चुका है दोस्तों। अब यहाँ पे हमें परसेंटेज के साथ टेम्प लिखना होगा, TEMP टेम्प, फिर परसेंटेज ऑफ लिखना पड़ेगा दोस्तों यहाँ पे, और उसके बाद हमको एंटर करना है। यहाँ पे एंटर करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे फिर से टेम्परेरी फाइल दिखाई दे रही होंगी। ये वो फाइल है दोस्तों जो हम इंटरनेट सर्फिंग करते हैं या जो भी डाटा डाउनलोड करते हैं उनसे क्रिएट होती हैं सारी टेम्परेरी फाइलें, और इसमें से सर कुछ फाइलें आपको अभी डिलीट नहीं भी होती हुई दिखाई देंगी। हम कंट्रोल दबा के सारी फाइलें सेलेक्ट कर लिए दोस्तों। अब हम शिफ्ट और डिलीट का ऑप्शन चूज करते हैं जिससे फाइल परमानेंट डिलीट हो जाए। यहाँ से यस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं दोस्तों। यस ऑप्शन पे दोस्तों क्लिक कीजिए आप। यहाँ पे हम यस ऑप्शन पे वापस क्लिक करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे यहाँ पे सिर्फ कुछ ही फाइल डिलीट हुई है, अभी भी यहाँ आपसे पूछ रहा है ट्राई अगेन, स्किप और कैंसिल। दोस्तों ऐसा ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी हमारा ब्राउजर खुला हुआ है और बैकग्राउंड में कोई ना कोई काम वहाँ पे चल रहा है, जैसे डाउनलोड हो रहा होगा या फिर हमारी वेब पेज जो इंटरनेट का पेज हुआ है, कोई वेबसाइट खुली होगी जिससे टेम्परेरी फाइल बैकग्राउंड में जनरेट हो रही है। एक बार पुनः ट्राई करते हैं दोस्तों। अभी भी कुछ फाइल ओपन है इसीलिए यहाँ पे पूरी तरह से वर्क नहीं कर रहा है। इसके लिए दोस्तों आपको करना हो क्या होगा, जो भी आपके सामने ब्राउजर ओपन है या कोई एप्लीकेशन ओपन हुई है उसको आप क्लोज कर देंगे, उसके बाद आप एक एक करके डिलीट कर सकते हैं इनको फाइल को, या फिर कंट्रोल एस दबाकर शिफ्ट और डिलीट से आप परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने तीन ऑप्शन आपको बताया जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था आपका स्टार्टअप में जाकर, जिससे आप स्टार्ट में होने वाली सारे प्रोग्राम को क्लोज कर सकते हैं जो आपके यूजफुल के लिए नहीं है। दोस्तों चौथा एक ऑप्शन ये भी महत्वपूर्ण है कि आप अपने सिस्टम पे कौन कौन से एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, क्योंकि जितने सारे एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करके रखेंगे उस सारे एप्लीकेशन का इफेक्ट रैम पर पड़ता है, और रैम पे जितना ज़्यादा असर पड़ेगा दोस्तों आपका सिस्टम उतना ही ज़्यादा बिजी होगा। इसलिए आपको अननेसेसरी ऐप को अनइंस्टॉल करना है दोस्तों, जो भी आप एप्लीकेशन यूज नहीं कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट के अलावा उनको आप अनइंस्टॉल कर दीजिए सिस्टम से। और दूसरा और लास्ट आपको ऑप्शन हम बताते हैं दोस्तों, पांचवा जो ऑप्शन है वो है ब्राउजर की कुकीज और कैश फाइल डिलीट करना, जिसके लिए आपको दोस्तों करना क्या होगा, मैंने पहले से ओपन कर रखा था, मैं एक बार इसको क्लोज कर देता हूँ दोस्तों। इसके लिए आपको करना क्या है, इंटरनेट ब्राउजर की सेटिंग पे जाना है दोस्तों। यहाँ पे ब्राउजर की सेटिंग में आप जाएंगे, जी हाँ दोस्तों ब्राउजर की सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे क्लियर ब्राउजिंग डाटा का एक मेनू दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जी हाँ दोस्तों यहाँ पे आपको क्लियर ब्राउजिंग डाटा पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लियर ब्राउजिंग डाटा पे क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारी चेकबॉक्स पे ऑलरेडी पहले से टिक लगा हुआ है, हम इन सब से टिक चेकबॉक्स हटा देते हैं जो जो हमको यहाँ से डिलीट नहीं करना है। और टाइम रेंज में दोस्तों देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि लास्ट आवर्स, मतलब लास्ट के एक घंटे पहले तक का डाटा, यहाँ से दोस्तों आपको ऑल टाइम में क्लिक करना है। और
अब यहाँ पे दोस्तों अब दिखाई दे रहा है आपको कैश्ड इमेज एंड फाइल। यहाँ पे कितना स्टोरेज दिखाई दे रहा है दोस्तों, 319 MB का डाटा भरा हुआ है जो ये एक ही टेम्परेरी फाइल है। यहाँ पे दोस्तों आपको क्लियर डाटा पे क्लिक करना है। क्लियर डाटा पे क्लिक करते ही बैकग्राउंड से प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद ये आपका डाटा पूरा क्लियर हो गया है दोस्तों। अब आपके ब्राउजर से भी जो अननेसेसरी टेम्परेरी फाइल थी वो डिलीट हो गई हैं। अब इसको आप एक बार फिर से चेक कर सकते हैं। देखिए दोस्तों 319 MB से सारा डाटा डिलीट हो गया, सिर्फ बचा हुआ है 1 MB। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने ब्राउजर की स्पीड भी बढ़ा सकते हैं और इसके साथ ही साथ ये सिस्टम की स्पीड पर भी इम्पैक्ट डालता है। दोस्तों आज हमने आपको आज बताया हमने कि आपको कैसे आप अपने सिस्टम की स्पीड को बढ़ा सकते हैं, वो भी कुछ ही मिनटों में। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।